नमस्कार, प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9 बजे लोगों से वीडियो संदेश साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उपायों के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। केंद्र ने राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में पर्यटन वीजा पर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल 960 विदेशी नागरिकों को प्रतिबंध सूची में डाला। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानने और लोगों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया और सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम में अपनी सहयोगी चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9 बजे वीडियो संदेश देंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी से मौतें कम करना है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा जोर संदिग्धों की जांच कराने, उनका पता लगाने, उन्हें विशेष निगरानी में रखने और संगरोध पर दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति और दवाएं तथा चिकित्सा उपकरण तैयार करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के रोगियों के लिए अलग अस्पताल आवश्यक है। श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुष चिकित्सकों के संसाधन पूल का उपयोग करें, ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और पैरामेडिकल स्टाफ, एनसीसी तथा एनएसएस स्वयंसेवियों की सेवाएं लें। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और कुछ देशों में यह संक्रमण दोबारा फैल सकता है। श्री मोदी ने तालमेल से काम करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समूहों के गठन और जिला निगरानी अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से ही आंकड़े लिए जाने चाहिए ताकि जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर आंकड़ों में एकरूपता बनी रहे। श्री मोदी ने कहा कि फसल कटाई के मौसम को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी है, हालांकि परस्पर यथासंभव सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कृषि उत्पाद बाजार समिति के अलावा अन्य स्थानों से भी अनाज की खरीद करने की संभावना पर विचार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद तेज गति से काम करना, सर्वाधिक जरूरत वाले क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और वायरस के फैलाव को रोकना जरूरी है। उन्होंने देशभर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोग कम संख्या में ही इलाके से बाहर जाएं। श्री मोदी ने इसके लिए राज्यों से सुझाव भी आमंत्रित किए। मुख्यमंत्रियों ने संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व, निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन जैसा ठोस निर्णय समय पर लेने के लिए भी प्रधानमंत्री की सराहना की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बेंगलुरु से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संक्रमण की वजह से आशा कर्मचारी घरों को जाकर यात्रा करने वालों की जानकारी पा रहे हैं। आज बेंगलुरु के सादिक नगर में लोगों ने एक आशा कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने आशा कर्मचारी के घर जाकर उनका स्वास्थ्य की जानकारी ली और आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से गुजारिश की है कि संक्रमण के खिलाफ काम कर रहे कर्मचारियों को सभी सहयोग दिया जाए। आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ कल राष्ट्रपति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न संकट से निपटने के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में शामिल ऐसे 960 विदेशियों को प्रतिबंधित कर दिया है जो पर्यटक वीजा पर भारत आए थे।
सरकार ने उनका भारतीय वीजा को भी रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया है कि वे विदेशी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में 960 विदेशियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। कोविड 19 के कारण 21 दिन के लॉकडाउन और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की घोषणा के बावजूद ये विदेशी और अन्य लोग तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल हुए थे और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में गए, जिससे कोरोना वायरस का प्रसार होने की खबर है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 328 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 1965 हो गई है। कल से आज तक 328 नए केसेज आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेज पाए गए हैं। उसमें टोटल 50 डेथ भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज ये है कि अब तक 151 पीपल रिकवर भी हो चुके हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और असम सहित विभिन्न राज्यों में कोविड 19 के ऐसे लगभग 400 मरीजों की पहचान की गई है, जिनका संबंध तबलीगी जमात से है। उन्होंने कहा कि कल मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने राज्यों से कहा है कि वे तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वालों की तलाश तेज करें। श्री अग्रवाल ने बताया कि तकनीकी पहलुओं से जुड़ी जानकारी देने के लिए ईमेल भी बनाई गई है। हम लोगों ने भी एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है, जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो है उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुर्दे के रोगियों के लिए एहतियाती उपाय संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को 5 किलोग्राम राशन देने को तैयार है। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 के मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि लॉकडाउन को पूरी तरह पालन हो। लॉकडाउन मेजर्स का वायलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है और इस कॉन्टेक्स्ट में होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज को लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज और सिटीजन्स के बीच इन कानूनों के प्रावधानों को वाइडली सर्कुलेट करें, जिससे कि हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव हो। संयुक्त सचिव ने तबलीगी जमात के बारे में कहा है कि इससे जुड़े 9000 लोगों को संगरोध में रखा गया है, जिनमें से 1306 विदेशी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में तबलीगी जमात के लगभग 2000 सदस्यों में से 1804 को संगरोध में रखा गया है और कोरोना के लक्षण वाले 334 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की टीम पर हमला करने वाले लोगों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये टीम कोविड 19 से संक्रमित लोगों की जांच करने के लिए गई थी। एक रिपोर्ट। कल डॉक्टरों की एक टीम कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ इंदौर के टाटपट्टी बाखल क्षेत्र गई थी। इलाके के लोगों ने टीम का विरोध करते हुए डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मेडिकल टीम पर पत्थर भी फेंके। इंदौर डीआईजी ने बताया कि इस घटना के चारों प्रमुख आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया, तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके जो उसके मुख्य आरोपी उसमें जो 4 लोग थे जिनका इस घटना के पीछे मुख्य रोल था, उन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीड़ित मानवता को बचाने के लिए आपके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए आप अपने काम में जुटे रहिए। मैं और पूरा प्रदेश आपके साथ। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आज एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को कठोर परिणाम भुगतने होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पूर्णबंदी के कारण श्रमिकों और मजदूरों को काम से न निकाला जाए और उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने पशुपालकों के हित में कुछ निर्णयों की घोषणा की है।
सीएम के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि छोटे पशुपालक जो किसी भी दूध सहकारी समिति के सदस्य नहीं है, वे अपना दूध प्राथमिक दूध सहकारी समितियों में जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के मद्देनजर राज्य में दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दूध की बर्बादी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले की गई घोषणा के तहत सरकार ने विधवाओं और दिव्यांगों सहित 13 लाख से अधिक लाभार्थियों को अप्रैल महीने की पेंशन अग्रिम रूप से हस्तांतरित की है। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल से अन्न ब्रह्म योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को भी मुफ्त राशन दिया जाएगा। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जाने माने गुरबानी गायक निर्मल सिंह खालसा का आज सवेरे अमृतसर में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। कोरोना वायरस से पंजाब में ये 5वीं मृत्यु है, जबकि अमृतसर में मौत का ये पहला मामला है। पंजाब में आज होशियारपुर में एक और व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के साथ ही राज्य में कोविड 19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि अमृतसर के एक संक्रमित मरीज की आज मृत्यु हो गई। उसके सभी 41 निकट संपर्कों को आइसोलेशन में रखा गया है। एक व्यक्ति को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है। हरियाणा में कोविड 19 के 4 और पॉजिटिव मामले सामने आने से राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 33 हो गई है। इनमें से 13 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और बाकी 20 का इलाज चल रहा है। नए मामलों में 3 पलवल से और 1 रोहतक से है। ओडिशा सरकार ने कोविड 19 के रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और इस वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए एक सप्ताह के भीतर भुवनेश्वर और कटक में 650 बिस्तर वाले 2 अस्पताल खोले हैं। ये विशेष अस्पताल अब कोविड 19 मरीजों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट। ये 2 अनन्य अस्पताल अब कोविड 19 रोगियों को समर्पित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। 500 बेड क्षमता वाला पहला अस्पताल भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थापित किया गया है, जबकि 150 बेड क्षमता वाला दूसरा सुविधा केंद्र कटक के अश्विनी अस्पताल में तैयार किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कीम्स कोविड अस्पताल का लोकार्पण करते हुए अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत की। इसके साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बच्चों और महिलाओं पर पूर्णबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए समाज कल्याण निदेशालय ने लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉकडाउन के चलते आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था, जिसे देखते हुए अब बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के घरों पर ही कोटे के अनुसार मोटे अनाज की डिलीवरी की जा रही है। इस डिलीवरी के पहले चरण की 27 मार्च से शुरुआत कर दी गई है। शिक्षा विभाग से जुड़े 20 साइन लैंग्वेज के व्याख्याकार, मूक बाधित दिव्यांगजनों को प्रशासन द्वारा दी जा रही सेवाओं और कोविड 19 से संबंधित जानकारियों के बारे में जागरूक करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से गौरव फटवाल। केरल में आज कोविड 19 के 21 और मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 8 मामले कासरगोड के, 5 मामले इडुकी के, 2 मामले कोल्लम के और तिरुवनंतपुरम, पथनतिट्टा, कोझिकोड, त्रिशूर, मलप्पुरम और कन्नूर के 1-1 मामले शामिल हैं। इनमें 2 मामले उन लोगों के हैं जो निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नोवेल कोरोना वायरस कोविड 19 के 8 नए संक्रमित मामलों का पता चला है, जिनमें जम्मू संभाग से 5 और कश्मीर संभाग से 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित मामलों की संख्या 70 हो गई है। इन 70 संक्रमित मामलों में से 65 सक्रिय संक्रमित हैं, जबकि 3 स्वस्थ हो गए हैं और 2 की मृत्यु हो गई है। कुल 70 मामलों में कश्मीर संभाग के 53 और जम्मू संभाग के 17 मामले हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा और इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा।
कोविड 19 से खुद को बचाएं, घर पर ही रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9 बजे लोगों से वीडियो संदेश साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड 19 के फैलाव को रोकने के उपायों के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। केंद्र ने राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में पर्यटन वीजा पर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल 960 विदेशी नागरिकों को प्रतिबंध सूची में डाला। सरकार ने कोविड 19 की स्थिति के बारे में जानने और लोगों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया और केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। सरकार ने कोविड 19 के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर आरोग्य सेतु नामक ऐप विकसित किया है। इस ऐप का उपयोग करके लोग कोरोना संक्रमण की आशंका का आकलन कर सकते हैं। ब्लूटूथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ये ऐप अन्य लोगों के साथ संपर्क के आधार पर ऐसे संक्रमण का अनुमान लगाएगा। इस ऐप से सरकार को कोविड 19 संक्रमण के प्रसार से होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। इस ऐप में निजता का ध्यान रखा गया है और इसमें संग्रहित व्यक्तिगत सूचना कूटबद्ध कर दी जाती है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 11 भाषाओं में उपलब्ध ये ऐप पूरे देश में उपयोग के लिए तैयार है। ये ऐप देश की युवा प्रतिभा का एक अनूठा उदाहरण है। दूरसंचार विभाग और सीडॉट ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सहयोग से ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संगरोध से अन्य स्थान पर जाने पर स्वतः ईमेल या एसएमएस भेज सकता है। इसे कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकारों की एजेंसियों से कहा है कि वे इस प्रणाली का इस्तेमाल करें। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कोविड 19 को लेकर राष्ट्रव्यापी तैयारी संबंधी सर्वेक्षण और जिलाधिकारियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रत्युत्तर भी जारी किए हैं। ये सर्वेक्षण 25 मार्च से 3 दिन तक देश के 410 जिलों में किए गए ताकि कोरोना वायरस से निपटने संबंधी राष्ट्रव्यापी चुनौती का अंदाजा लगाया जा सके। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्यों में कोविड 19 की तैयारी का तुलनात्मक विश्लेषण विकसित करना है। इस सर्वेक्षण से संस्थाओं, अस्पतालों और व्यक्तिगत तैयारी के लिए प्रशासन के समक्ष मुख्य प्राथमिकताओं और बाधाओं की जानकारी मिलेगी। कोविड 19 से बचाव के लिए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी को पूरी तरह से लागू करवाएं। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्णबंदी के तहत दी गई छूट में अधिक रियायतें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कोविड 19 के फैलाव पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि वे फर्जी खबरों को रोकने के लिए कारगर उपाय करें। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों के लिए एक वेब पोर्टल बना रही है ताकि वे तथ्यों की जांच कर गलत खबरों को तत्काल खारिज कर सकें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी कहा गया है कि वे अपने स्तर पर ऐसी ही व्यवस्था करें। उच्चतम न्यायालय ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए फर्जी खबर से उत्पन्न भगदड़ की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की पलायन की समस्या पैदा हुई। अदालत ने कहा कि इससे लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ा। अदालत ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को भोजन और दवाइयों जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोविड 19 के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महामारी से निपटने के लिए दवाइयों की कोई कमी नहीं है।
फार्मास्यूटिकल विभाग अन्य विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से दवाओं की उपलब्धता, आपूर्ति, वितरण का निरंतर निगरानी कर रहा है। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से ही सरकार दवाओं के उत्पादन की निगरानी कर रही है। लोगों के सवालों और शिकायतों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दवा निर्माताओं को आवश्यक दवाओं के पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 1 अप्रैल से सभी चिकित्सा उपकरणों को दवाई के रूप में अधिसूचित किया गया है। सभी चिकित्सा उपकरणों की अधिकतम खुदरा कीमत की निगरानी अब सरकार द्वारा की जाएगी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड 19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के जरा रोग विभाग के प्रमुख डॉ प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही रहने की सलाह दी है, क्योंकि उन्हें कोविड 19 संक्रमण से ग्रस्त होने की संभावना अधिक बनी रहती है। Seniors are most prone to catch the infection and they have highest mortality for COVID-19 because they have weak immune system, poor biological reserve and they have multiple disease. So they must stay at home. नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अंबुज राय ने हृदय रोगियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। My simple message to all of you today, especially heart patients, is that kindly, strictly follow the message of social distancing. It is to keep you safe and healthy. देश भर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अभिनेत्री कृति सैनन ने लोगों से इस महामारी से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। Guys, they're very small basic things that we all can take care of. If you're stepping out to buy grocery, make sure that you're at least at a 6 feet distance from each other. Do not touch anything, wear a mask, do not touch your face, come back, wash your hands for at least 20 seconds, sanitize everything that you've touched. अगर आप अपनी लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट का बटन हाथ से नहीं दबाएं, एल्बो से दबाएं. If you're a righty, use your left hand to open all the doors and turn knobs. Stay positive, stay fit, stay at home. कलाकार अमृता खानविलकर ने भी कोविड 19 से निपटने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है। लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी है जहां मैं, आप, हम सब जीत सकते हैं और वो लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ। हमें बस एक जिम्मेदार नागरिक बनकर नियमों का पालन करना है, अपने अपने घरों में रहना है, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए घर को लॉक करो, कोरोना को ब्लॉक करो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार पूर्णबंदी की स्थिति में निर्धन वाहन चालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। ऑटो, आरटीवी, ग्रामीण सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक ई रिक्शा, जितने पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनकी मदद के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। सबके अकाउंट में 5,000 रुपये सरकार की तरफ से आपकी मदद के लिए डाले जाएंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि इस प्रक्रिया में 7 से 10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास सभी चालकों की बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उचित योजना बनाई जा रही है।
राजधानी में कोरोना मामलों के बारे में श्री केजरीवाल ने कहा कि मरकज निजामुद्दीन से निकाले गए 2,346 लोगों में से 1,810 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, जबकि 536 लोगों को शहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि सभी 2,346 व्यक्तियों का एक साथ परीक्षण किया जा रहा है, इससे शहर में संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा अगले एक दो दिन में तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अब तक मरकज निजामुद्दीन से 108 लोगों को सहित शहर में कोविड 19 के 219 मरीजों की पुष्टि हुई है। श्री केजरीवाल ने कहा कि इस वायरस से दिल्ली में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 लोग मरकज के हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया है कि सरकार ने उचित तैयारी के बिना ही लॉकडाउन को लागू कर दिया। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों और वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विमान और रेल सेवाएं समय रहते स्थगित कर दी गईं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन के मुद्दे पर भारत के प्रयास की सराहना कर रही है और इसे सही दिशा में उठाया गया सही कदम बता रही है। श्री जावड़ेकर ने लॉकडाउन को सफल बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा का राजनीतिकरण करने की अनावश्यक कोशिश है। डॉक्टर, नर्सेस और सभी विभाग जिस तरह से काम में लगे हैं, लोगों की पर्याप्त व्यवस्था हो रही है और ये एक काबिले तारीफ है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देता और मैं आशा करता हूं कि आगे से कांग्रेस भी समझेगी, क्योंकि इसमें पार्टी नहीं है, इसमें मजहब नहीं है, इसमें जाति नहीं है। यह वायरस भी सबको छू सकता है और उसको सब मिलकर ही परास्त कर सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि महज कुछ ही घंटे का समय देकर लॉकडाउन लागू कर देने के कारण आम लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लॉकडाउन के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी को गैर संवेदनशील बताया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं बल्कि मिलजुल कर देश की सेवा करने का है। पर्यटन मंत्रालय के 2 दिन के भीतर स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल पर विदेशी पर्यटकों से 500 से अधिक प्रश्न और सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी। विदेशी पर्यटकों से प्राप्त ज्यादातर अनुरोध अपने देशों को लौटने और वापस यात्रा न करने की स्थिति में भारत में रुकने के लिए वीजा विस्तार संबंधित जानकारियां मांगी गई हैं। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए पर्यटन मंत्रालय विदेश मंत्रालय और राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय बना रहा है। भारत में फंसे यात्रियों की समस्याओं के बारे में संबंधित दूतावासों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। भोजन, चिकित्सा और बुजुर्ग पर्यटकों की देखभाल जैसे आपातकालीन अनुरोधों को तेजी से निपटाया जा रहा है। होटलों से भी कहा गया है कि जब तक संबंधित दूतावास ऐसे लोगों की वापसी के इंतजाम न कर ले, तब तक उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधोनम घेब्रेयेसस ने कोविड 19 संकट के दौरान देश के कमजोर तबकों की सहायता के लिए 24 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित इस पैकेज में वंचित वर्गों के लिए निःशुल्क राशन, गरीब महिलाओं को 20 करोड़ 40 लाख रुपए नकद सहायता और 800 परिवारों को अगले 3 महीने तक निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध कराना शामिल है। I have called on governments to put in place social welfare measures. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women, and free cooking gas for 80 million households for the next 3 months. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामनवमी के पावन पर्व पर लोगों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9 बजे लोगों से वीडियो संदेश साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड 19 के फैलाव को रोकने के उपायों के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की।
गृह मंत्रालय ने पर्यटन वीजा पर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल 960 विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानने और लोगों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया और केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।